भगवान शिव जो देवों के देव महादेव हैं, इस ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। जिस भी साधारण और भोले व्यक्ति पर प्रभु की कृपा होती है उसके जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाता है। हम भगवान शिव से यही कामना करते हैं, आप सभी पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे परम भक्त की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी, और उसके बाद उसके साथ जो चमत्कार हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक समय की बात है, एक विशालकाय बर्फीले पर्वत पर भगवान शिव का बड़ा ही सुंदर मंदिर था, और वहाँ पर भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति थी। यह मंदिर इतना चमत्कारी था, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपनी इच्छा भगवान के सामने प्रकट करता था भगवान उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते थे। इसलिए बहुत से लोग शिवलिंग के दर्शन करने के लिए इस पहाड़ी पर चलकर जाते थे। इसी पहाड़ी के तले एक गांव था जहां पर एक ब्राह्मण रहता था जो भगवान शिव की हर रोज पूजा करता था। ब्राह्मण प्रतिदिन शिव जी को नहलाता, उनका अभिषेक करता, उन्हें सुंदर पकवान प्रसाद के रूप में लेकर आता था और शिव जी को फूल भी चढ़ाता था। वहीं भगवान शिव का और एक भक्त था जो जंगलों में रहता था और जानवरों का शिकार करके खुद का और खुद के परिवार का पेट पालता था। वो भक्त था भील कुमार कन्नव। एक बार भील कुमार कन्नव मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति देखकर सोचने लगा कि भगवान शिव तो इस पहाड़ी पर अकेले ही रहते हैं, कोई राक्षस या पशु पक्षी उन्हें कष्ट ना दे। इसलिए वह मंदिर के सामने पहरा देने लगा। शाम हो गई और भील भगवान मंदिर के सामने पहरा देता रहा। तभी हड्डियों वाले कुछ राक्षस मंदिर के पास आ गए तो उसने उन्हें मार दिया और मंदिर की रक्षा की। रात भर पहरा देने के बाद सुबह हुई, तभी उसके मन में ख्याल आया कि भगवान शिव की अब पूजा करनी चाहिए, साथ ही भगवान भूखे होंगे, उन्हें प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। इसलिए भील सुबह सुबह शिकार पर गया। उसने 2-3 जानवरों का शिकार किया। पास ही एक नदी थी, नदी से उसने मछली का शिकार किया और मुंह में पानी भरकर शिव जी के मंदिर वापस आया। उसे पूजा करने का सही तरीका नहीं पता था, इसलिए उसने मूर्ति पर से फूल एवं पत्ते हटाए और मुंह से मूर्ति पर जल चढ़ाया। भगवान शिव जी को मांस नैवेद्य के रूप में चढ़ा दिया और शिव जी को नमस्कार करके वहाँ से चला गया। दूसरे दिन जब वो ब्राह्मण पूजा करने आया तब उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि शिव जी के सामने मांस के टुकड़े रखे हैं। इसे देखकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी होता है। उसके बाद से ब्राह्मण देखता है कि रोज शिव जी के सामने मांस के टुकड़े पड़े हैं। इससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो एक दिन वहाँ पर छुपकर बैठता है और देखता है एक भील मूर्ति के सामने मांस रख रहा है। लेकिन ब्राह्मण भील से डरता था, कहीं ये मुझे मार ना दे, इसलिए उसने भील से कुछ नहीं कहा और फिर वे चुपचाप वहाँ से चला गया। बस ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। तब शिव जी ने इन दोनों भक्तों की परीक्षा लेने के बारे में सोचा, इसलिए शिव जी ने अपनी मूर्ति की एक आंख फोड़ दी। तभी कुछ देर बाद ब्राह्मण वहाँ पर आया, तब उसने देखा कि शिव जी की एक आंख नहीं है, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और पूजा करके लौट गया। उसके बाद शाम को पहरा देने जैसे ही भील उस स्थान पर आया तभी उसने देखा कि किसी ने शिव जी की एक आंख फोड़ दी है। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसे लगा कि शायद यह काम राक्षसों ने किया होगा। तभी उसने पासी के पेड़ से कुछ पत्ते लाए और शिव जी की आंख पर लगा दिए, लेकिन फिर भी रक्त बहने लगा। उसके बाद उसने अपना चाकू निकाला और खुद की एक आंख को निकालकर शिव जी को आंख की जगह पर लगा दिया। तभी रक्त बहना रुक गया। उसी पश्चात मूर्ति की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा, तो उसने तुरंत अपनी दूसरी आंख को भी निकाल दिया और शिव जी की मूर्ति को लगा दिया और फिर उसका भी रक्त बहना रुक गया। अपने भक्त की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और भील को उसकी दोनों आंखें लौटा दी और कहा कि तुम ही मेरे सच्चे भक्त हो। यह बात पता चलने पर ब्राह्मण को बहुत ही दुख हुआ और वह शिव जी के मंदिर में जाकर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु मैं तो ब्राह्मण हूँ, कई वर्षों से आपकी पूजा कर रहा हूँ और मेरा जन्म ऊंचे कुल में हुआ है, लेकिन आपने उस तुच्छ भील को अपना भक्त क्यों मान लिया। तभी उस मूर्ति से आवाज आई और भगवान शिव बोले, ब्राह्मण तुम ठीक कहते हो, परंतु इस भील का जितना स्नेह मुझ पर है उतना तुम्हारा नहीं। भोलेनाथ ने ब्राह्मण से कहा, मुझे पूजा पद्धति से प्रेम नहीं है, मुझे श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत ही दुख हुआ और उसे अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। और इसी प्रकार शिव की कृपा से भील की आंखें भी ठीक हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको पंच पकवान का प्रसाद एवं रंग बिरंगे फूल और धन धान्य की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल भी काफी है। सच्चे मन से अगर आप भगवान शिव को पुकारेंगे तो भगवान शिव आपकी पुकार अवश्य सुन लेंगे।